नमस्कार सभी को, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो हिंदी आरोह की पुस्तक है उसका पाठ 6 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जीवन काल 1911 से शुरू होकर 1993 ईस्वी तक रहता है। अब देखते हैं इनका जन्म जो होता है वो 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अब ये स्थान उत्तराखंड में स्थित है, तो यहाँ इनका जन्म होता है। इनके द्वारा प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं जो 1956 ईस्वी में रचित है, कुछ और कविताएं ये 1961 ईस्वी में रचित है, चुका भी हूँ नहीं मैं ये रचना 1975 ईस्वी में रचित है, और इसी रचना पर चुका भी नहीं हूँ मैं इस रचना पर इनको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इतने पास अपने ये 1980 की रचना है, बात बोलेगी ये 1981 की रचना है, काल तुझसे है होड़ मेरी ये 1988 की रचना है। उर्दू हिंदी कोष का इन्होंने संपादन किया था। इनको सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी सम्मान 1977 में मिला था चुका भी नहीं हूँ मैं रचना पर। इनको कबीर सम्मान भी मिला था और अनेक पुरस्कारों से भी ये सम्मानित हुए थे। इनका निधन सन 1993 में अहमदाबाद में होता है। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है उसकी सहजता प्राण है, खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में की जाती है। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक जो द्वितीय तार सप्तक था उनके प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों से रंग रेखा स्वर और कुची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की होती है। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग अलग होता है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों क्रियाओं अव्ययों मुहावरों को दिया जाता है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह को अनेक पीड़ाओं का सामना करना पड़ा था। जब ये 8 वर्ष के थे तभी इनकी माँ का निधन हो चुका था और 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और 24 वर्ष की आयु में क्षय रोग से इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी कहा जाता है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम पीड़ा संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती है। प्रयोगवादी 1983 ईस्वी में यह प्रारंभ होता है। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। यह बिंब नए प्रतीक नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है।
प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर बहादुर सिंह ऐसे व्यंगधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने का सृष्टा भी है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवन परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहां सिल है, राख से लेपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा। पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नए नए हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है और भविष्य की उजास है और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास दराती उषा। शमशेर बहादुर सिंह का एकमात्र निबंध संग्रह जो है वह है बवाब और इनका कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा। तो शुरू करते हैं इनकी उषा कविता। प्रातः नभ था, बहुत नीला शंख जैसे। नभ होता है आसमान, भोर का नभ भोर होता है सुबह, राख से लिपा हुआ चौका, चौका होता है रसोई बनाने का प्रमुख स्थान, तभी गीला पड़ा है। बहुत काले सिल, सिल है मसाला पीसने का एक प्रकार का पत्थर, जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, सलेट पर या लाल खुड़िया चाकू मल दी हो किसी ने। तो कवि शमशेर बहादुर से उषा कविता के माध्यम से प्रातःकालीन वातावरण का चित्रण करते हुए कहते हैं कि प्रातःकाल होते ही आकाश का जो रंग है वो शंख के समान गहरा नीला हो जाता है, अर्थात शंख की तरह वह नीला पवित्र और मनोरम बन जाता है। फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लालिमा बिखराई और आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी। कवि कहते हैं कि उस समय आकाश ऐसा लग रहा था मानो राख से लिपा हुआ चौका हो, जिसको अभी अभी लिपने के बाद में उसको छोड़ा गया हो, वो कुछ गीला दिखाई दे रहा। इसका तात्पर्य यह है कि भोर का दृश्य कुछ काले और लाल रंग के मिश्रण से बहुत ही मनोरम लगने लगता है। तब कुछ क्षणों के बाद आकाश ऐसा लगने लगा कि बहुत काले सिल को अभी अभी केसर से धो दिया हो, अथवा काली नीली स्लेट पर लाल रंग की जो खड़िया चाक है वो किसी ने उस पर मल दी हो, मतलब लगा दी हो। भोर होने पर अंधेरे से आवर्त आकाश काले सिल तथा स्लेट के समान लगने लगा है और उस पर सूर्य की लालिमा लाल केसर और लाल खड़िया चाक के समान प्रतीत हो रही है। इसके कारण यह आकर्षक दिखाई दे रहा है। नील जल में या किसी गौर झिलमिल में, नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह, देह क्या होता है शरीर होता है, गौर होता है गोरा, झिलमिल मतलब चमकता हुआ जैसे हिल रही हो, और जादू, जादू होता चमत्कार, टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय, सूर्योदय में कौन सा समास और कौन सी संधि है, तो इसका संधि विग्रह हो जाएगा सूर्य धने उदय। तो इसमें ए का ए और ओ मिलकर ओ हो रहे हैं, तो ये कौन सी संधि है, ये है गुणस्वर संधि, सूर्योदय में गुणस्वर संधि होगी। इस दोहे में कवि शमशेर बहादुर से कहते हैं कि सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल बदलते हुए वातावरण का जो चित्र दिखाई देता है कि प्रातःकाल जब नीले रंग के आकाश में सूर्य की चमकती हुई
सफेद किरणें दिखाई देने लगती हैं। तो इस प्रकार लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी काया झिलमिला रही हो, मतलब प्रातःकालीन नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हमें हिलती हुई दिखाई देती हैं। सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, और कुछ समय बाद जब सूर्य उदित होता है तब उषा काल के उस पल पल बदलते रंगों का जो प्राकृतिक प्रवेश का चमत्कारी सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है, और सूर्योदय होते ही उषा काल का जो रंगीन वातावरण था वो समाप्त हो जाता है। उस समय की स्थिति जादू के समान दिखाई देती है कि ये कोई चमत्कार हो गया। ये लेसन समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।